नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजमगढ़ यूपी से एक युवक ने अपने घर का प्लान भेजा है और उसके साथ उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और मैसेज में ही इस प्लान के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये मकान वेस्ट फेसिंग है, ये वेस्ट है, ये पार्किंग है, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वेस्ट फेसिंग हो गया। 2 फीट जगह उत्तर में, 5 फीट जगह जो है ईस्ट में जगह छोड़ी है। तो 2 फीट ये जगह देख रहे हैं, 2 फीट ये जगह छोड़ी इन्होंने और ये 2 फीट जगह छोड़ी है। ये 41 फीट लंबा है प्लाट और 33 फीट 8 इंच चौड़ा है, ठीक। ये 2 फीट इन्होंने जगह छोड़ी है और इधर 5 फीट जगह छोड़ी है, देख रहे हैं आप 5 फीट ये इधर से, ठीक है। तो यूँ ये जगह दोनों सही छोड़ रखी है, गलती बिल्कुल प्रॉपर है ये। कोई गड्ढा नहीं है सर, उसके अलावा कोई गड्ढा नहीं है। सेप्टिक टैंक बोरवेल ईस्ट में है, तो ये 35-36 फीट मान लीजिए तो 12 फीट, तीसरा हिस्सा 12 फीट, यानी ये 12 फीट किचन तक, तो इतना हिस्सा छोड़ के इन्होंने बोरवेल सेप्टिक बना रखा है, तो बहुत सही जगह बना रखा है। बैठक का नक्शा में नहीं है, अभी अलग से बनाना है सर। शायद डाइनिंग रूम का जिक्र कर रहे हैं कि डाइनिंग रूम ऐसा कि ईस्ट में बनाएंगे या कहीं बनाएंगे, क्योंकि ये प्लान आ रहा है, ये मैसेज आया और कुछ नहीं है। अभी दुबई में हूँ सर, सर प्लीज़ ये घर अच्छा होगा? वो पूछते हैं कि मैं भी दुबई हूँ पर ये घर बना रहा हूँ, ये अच्छा होगा? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, छत नहीं लग पा रही है, मतलब बहुत परेशान हूँ, छत नहीं लग पा रही है। वेस्ट में डोर, ईस्ट में छोटा डोर है और नॉर्थ में डोर, साउथ वेस्ट में नो डोर, नॉर्थ में नो डोर। पार्किंग की तरफ वेस्ट में डोर है सर, यानी कि एक डोर यहाँ है, एक छोटा डोर पीछे है और ना इधर डोर है ना इधर डोर है। दोस्तों जैसे उन्होंने बना, परेशान है, छत नहीं डल पा रही है, प्लाट साइज तो अच्छा है, 35-8 यहाँ है, 35-8 यहाँ है, 41-2 यहाँ, 41-2 यहाँ, तो रेक्टेंगुलर प्लाट है, प्लाट में गड़बड़ नहीं है। और पार्किंग जो जिनने जगह रखी है तो पश्चिम बाईवे में रखा, तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेप्टिक टैंक और बोरिंग भी सही जगह पर है। अब इसके बाद छत नहीं डल पा रही, परेशान है। अब देखिए इन्होंने जो 2 फीट जगह छोड़ी है, ये वाली जो शो करी है, इधर 2 फीट आगे बढ़ा है, ये उत्तर वायव्य में, वायव्य कोण में, उत्तर वायव्य केवल वायव्य कोण में बढ़ा हुआ है वाला। अपन इसके 3 हिस्से का, तो एक हिस्सा बढ़ा हुआ आ रहा है, ये 15 फीट का है, 43-42 से, तो लगभग वायव्य कोण बढ़ा हुआ है इसका। अब वास्तुशास्त्र में जो है, क्योंकि छत नहीं डली, दीवारें तो बन गई ना, कोई शो कर रही है कि अगर वायव्य कोण के केवल कोने में बड़ा होता है तो मालिक का धन नष्ट होता है, शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, यानी कि शत्रु परेशान कर रहे होंगे, पड़ोसी, ये भी हो सकता है, और सुख का भाव होता है, धन नष्ट होता है। तो ये जो समस्या है इसके कारण आ रही है। या तो ये पूरी इसको खोल दे, है ना, इसको दरवाजा ना लगा, इसकी दीवार को तोड़ दे और यहाँ पे पूरी छत डाल दे, यानी यहाँ तक, यदि ये ओपन है तो यहाँ तक छत डाल दे, ये कवर दे, यहाँ तक छत डाल दे, ये वायव्य कोण का जो बड़ा हो रहा है ये तकलीफ दे रहा है, ऐसा क्या लगता है। दूसरा फिर ये हो सकता है कि ये हिस्सा नीचा हो, यानी इनने थोड़ा मतलब लेंथ हाइट ले ली हो, दो लेंथ हाइट यहाँ तक ले ली हो और वायव्य कोण जो है इतना नीचा कर दिया पार्किंग के लिए, और ये लेंथ हाइट ले ली हो पूरी, 1-2 फीट होता है ऊंचाई दे देते हैं ताकि बरसात का पानी घर में नहीं आए, सड़क का नहीं आए, तो ये है। तो दूसरी दिक्कत ये हो सकती है, दो कारण दिखते हैं मुझे, क्योंकि जब ये नीचा होगा तो शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, धन नष्ट होता है, परेशानी होती है। इनको चाहिए यदि ये गलती इस गलती को दूर करें और यदि नीचा वाला उसको भर दें और गाड़ी बाहर खड़ी करने की व्यवस्था करें, नहीं तो रैंप यहाँ से बाहर से बनाएं, यहाँ से रैंप बनाए, गाड़ी अंदर खड़ी करें। मुझे उम्मीद है ये करने से इनकी समस्या हल हो जाएगी। मुझे पूरे प्लान में जो मेजर गलती दिख रही है ये दिख रही है, बाकी ठीक है। ये दरवाज़ा अच्छा है, सही जगह पर दक्षिण लगने का है, ये दरवाज़ा इधर करने तो बेहतर होगा क्योंकि दक्षिण निरुत्त का हो रहा है इस कमरे का, ठीक है ना। और ये किचन का दरवाज़ा उत्तर बाजे वाला, इसको सेंटर में कर ले तो ज़्यादा अच्छा, इस तरफ कर लें ये ज़्यादा अच्छा, सीढ़ियाँ सही हैं, टॉयलेट दोनों ठीक है। हाँ, इनके फ्लोर लेवल का देख लें, इनके फ्लोर लेवल सबके बराबर होना चाहिए, टॉयलेट का पानी भाग ना, उसके लिए आप राइजर लगा लें पर फ्लोर लेवल बराबर होना चाहिए। दूसरा इस टॉयलेट का दरवाजा भी इधर कर देना चाहिए क्योंकि ये पश्चिम निरुत्त का हो रहा है, वेस्ट का तो साउथ है, ये दरवाज़ा यहाँ कर देना चाहिए तो ये इसका वास्तु ठीक हो जाएगा। ये दरवाज़ा सही है, ये दरवाज़ा सही है,
ये इनकी भी ओपीएस कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये ओपीएस भी इनने सही बनाया है। तो इनको चाहिए कि एक तो इस दरवाजे को ठीक कर लें, इस दरवाजे को ठीक कर लें, इस दरवाजे को ठीक करें यहाँ पर, ठीक एक कनेक्टिविटी यहाँ से भी दें, एक कनेक्टिविटी यहाँ से दें, बहुत खराब होगा जगह के लिए। और इसको देखें ये बढ़ गया है तो आप पूरी छत डालें या इसको तोड़ें, इस दीवार को तोड़ें, है ना, ताकि ये दीवार सीधी ऐसी हो जाए और ये सब खुला हो जाए, ये कर लें। और यदि नीचा हो रहा है तो उसको भर लें, और यही कहीं गलती है। यदि ये कर लेंगे मुझे उम्मीद है इनकी छत भी डल जाए, इनका घर भी बन जाएगा और उसके बाद ये यहाँ के सुखी भी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।